उदयपुर जिले के कोटड़ा के मामेर चौकी के अकोला गांव में एक ही परिवार के चार जनों का शव मिलने से क्षेत्र में सनसनी फैल गई। तीन बच्चों की हत्या के बाद पिता भी खुद फांसी के फंदे पर झूल गया। फंदे पर चारों के शव लटके मिले। सूचना पर मौके पर पुलिस व आला अधिकारी पहुंचे। घटना से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। ये एक मामेर चौकी के पास ताकोला गांव है, वहां पे एक मास सुसाइड का मामला आया है जिसमें चार लोगों ने आत्महत्या की है, पिता और परिवार के बच्चों ने। प्रथम दृष्टया चूँकि उनकी जो मदर है बच्चों की, उनकी डेथ हो गई थी 4-5 साल पहले, तो प्रथम दृष्टया जो है अभी जो इनिशियल पूछताछ है, हालांकि ये फाइनल नहीं है, उससे कुछ डिप्रेशन का और इस टाइप का मामला सामने आ रहा है। यही चीज़ लगती है कि शायद पारिवारिक जो कंडीशन थी उसकी वजह से डिप्रेशन में आके इस तरह की घटना कारित की गई हो। क्या उम्र है तक बच्चों के? बच्चे अलग अलग उम्र के हैं, तो जैसे फादर 45 ईयर्स के हैं, तो बच्चे छोटे बच्चे भी। क्या खुद की दुकान वगैरह भी है क्या? एक उनकी किराने की दुकान है, लेकिन उस किराने की दुकान, छोटी किराने की दुकान है, बहुत ज़्यादा चल नहीं पा रही है। एक बच्ची 5 साल की है, 12 साल का, 15 साल का बेटा। आर्थिक स्थिति खराब? आर्थिक स्थिति अभी ख़राब रही है। आर्थिक स्थिति का तो ये कहा जाए कि आर्थिक स्थिति कोई पैमाना तो नहीं है, बट स्टिल क्योंकि किराने की दुकान वो चला रहे थे तो अपना कार्य तो कर रहे थे। तो क्या पिता ने तीनों बच्चों को मारा है? ये तो पीएम की रिपोर्ट के बाद ही क्लियर होगा किस तरीके से। प्राइमा फेसाई चारों की बॉडीज वहाँ मिली।